नमस्कार सभी साथियों को। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग से चयन होने वाले सभी साथियों के लिए बड़ी अपडेट है। ध्यान से वीडियो को देखें और पूरी बात सुने मेरी। तो ये संस्कृत शिक्षा विभाग, देख सकते हो आप, शिक्षा राजस्थान जयपुर ऑर्डर का आदेश है कि वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय पद पर नियुक्ति पूर्व मूल प्रमाण पत्रों एवं अंगतालियों से मिलान कर पुष्टि के क्रम में, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरह ही है ना, जो आपका जैसे आरपीएससी हो चुका अजमेर, तो उसी की तरह है। मूल प्रमाण पत्र और अंगतालियों से मिलान ही होगी केवल, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल की भर्तियों के भी मूल प्रमाण पत्र अंगताली का जांच करवाई थी। तो क्या है कि अब जो संस्कृत विभाग में अभी चयन हुए हैं, तो उनका आरपीएससी ने तो करवा ही लिया था, अब विभाग भी क्या है अलग से करवा रहा है ताकि बाद में उसकी आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो यही है। तो इस संबंध में ऑर्डर है, तो देखो पहला क्या है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आयोजित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के माध्यम से आयोग द्वारा आपका चयन वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, ठीक है, के लिए किया गया है। मैंने इस समय समय पर इसके वीडियो भी डाले हैं रिजल्ट्स के। तो वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्ति से पूर्व आपके मूल प्रमाण पत्रों की पुष्टि की जानी है। ठीक है, आपकी नियुक्ति से पूर्व मूल प्रमाण पत्र की पुष्टि की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक 5/11/2024, मतलब 5 नवंबर से लेकर 8/11/24, 8 नवंबर तक राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधी सर्किल के पास महात्मा गांधी रोड गांधीनगर जयपुर में संपादित किया जाएगा। ज्वाइनिंग से पूर्व केवल ये डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी करवा चुके 5 साल के, पिछले 5 साल की भर्ती हो गया 18 के बाद के। तो अब क्या न्यू ज्वाइनिंग वालों को भी एक बार फिर से विवाह करवा रहा है क्या, कि कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑर्डर है कि अभ्यर्थियों को संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति कर समस्त आवश्यक दस्तावेज, मूल दस्तावेज एवं उनकी एक एक सत्यापित छाया प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लानी है। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षिक प्रशैक्षिक परीक्षाओं की मूल अंक तालिका के अभाव में आपकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने हैं। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थिति होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दिया नहीं होगा, TADA बोलते हैं इसको, तो यह आपको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, आपके स्वयं के खर्चे से जाओ। तीसरा है, दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी विभागीय वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहे। इसके लिए अलग से लिस्ट डाली जाएगी कि इतने रोल नंबर से लेकर इतने इतनी विषय का ही अब होगा। ठीक है, सारी जो भी रूम नंबर वगैरह जो भी है प्रत्यक्ष लिस्ट डाली जाएगी, तो अपनी ईमेल आईडी चेक कर ले। और मेरे पास जैसे ही न्यूज आएगी तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बना के भी अवगत करा दूंगा। साथियों, ये आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं, किसी प्रकार के गलतफहमी में ना रहे कि मैंने तो DVA अजमेर में करा दिया था, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, और इसके बाद में जैसे ये डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे फिर आपका मंडल चॉइस परवाया जाएगा। ठीक है, मंडल चॉइस परवाया जाएगा, फिर मंडल अलॉटमेंट हो गए, तो जो भी मंडल चॉइस का भी आदेश होगा उसकी भी मैं जानकारी दे दूंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ज्वाइनिंग से संबंधित आगे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, जानकारी आपको सही समय पर सटीक जानकारी मिल सके। आशा है साथियों मेरे बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय।